मगरी बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के मौका पर एक प्रोग्राम का इनेकाद कलकत्ता के शहीद मीनार मैदान में किया गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस अखिलेती शोभा के स्टेट चेयरमैन मुशरफ हुसैन MLA, इखलाक अहमद, अमीन अंसारी समेत मुतैद लोगों ने शिरकत की और मोदी हुकूमत के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और मुल्क में फैली हुई फिरका परस्ती को दूर करने के लिए और लोगों के अंदर इतिहाद व इत्तेफाक बरकरार रखने के लिए लोगों के अंदर एक यकजहती पैदा करने के लिए उन्होंने तकरीर की। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज 18, कोलकाता। না উনি আমাদের নেত্রীর সঙ্গে এক জায়গায় গেছেন, উনি অনুষ্ঠানে গেছেন, সফরে গেছেন, নালে উনি নিশ্চয়ই থাকতেন। ওনার বার্তা মূল্য মূল্যবান পরামর্শ নিয়ে এই অনুষ্ঠান আসবে। উনি আগামী রাষ্ট্রনায়কের রচয়িতার বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবেন। বিজেপিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, যে অস্তিত্ব বিলুপ্তর পথে। বাংলায় যেমন বিজেপি মাইক্রোস্কোপিক দলে পরিণত হয়েছে, এ দলের অস্তিত্ব আর নেই। কিন্তু যেভাবে মানুষরা দেখতে পাচ্ছে, যেভাবে নির্বাচনের পর যে রেজাল্টটা বেরিয়েছে, কিন্তু 24 নিয়ে সবাই একটা বিভাজন নিয়ে কথা বলছে, যেভাবে রাম মন্দির হিসাব দেখেন, সবাই যদি বিরোধী জোট এক হয়ে জিততো, তো বিজেপি একটা ক্ষমতা রাজ্যে আসতো না। আমি আমাদের নেত্রীর নির্দেশনা যেভাবে নির্দেশ দিব, দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমরা লড়াই, মিটিং, মিছিল, রাজপথে লড়াই, সংগ্রাম থাকবো। বিজেপিকে একবার উৎখাত করে আমরা क्या लगता है 24 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो बंगाल के जो 35% जो माइनॉरिटी है, संखलघु समाज है, किस किस ओर जा रहा है, क्या लगता है? माइनॉरिटी समाज TMC के साथ था, इसलिए कब इससे अच्छा सुकून और इत्मीनान बख्श हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और माइनॉरिटी हमेशा इतने दिनों से मगरी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ हैं, माटी मानुष के सरकार हैं के साथ हैं। इस बार भी हम लोग भरपूर तरीके से मेहनत करेंगे और आवाम के पास जाएंगे, और काम की बुनियाद पर ममता बनर्जी ने जो हमारे चीफ मिनिस्टर ने काम किया उसके बुनियाद पर, लोकल MLA ने जो काम किया उसके बुनियाद पर, MP ने जो काम किया उसके बुनियाद पर, हम लोग पब्लिक से आवाम के पास जा करके वोट मांगेंगे। और इस बार 42 सीट में से कम 40 से 42 सीट हम लोग उनसे, उनके पास जो 18 सीट बीजेपी फिरका परवत पार्टियों ने जो एक मौका के तहत और पैसे लालच दे करके जो उन्होंने झूठ बोल करके जो उन्होंने हासिल किया, वो तमाम सीटें हम लोग वापस ले लेंगे। और 42 सीट पर हम तमाम लोग वोट देंगे, और माइनॉरिटी तो भरपूर तरीके से वोट देगी, इसलिए कि माइनॉरिटी के लिए पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी जैसी लीडर न कोई है, और न कोई अभी पहले था, न अभी तक कोई है। খুঁজে বেরিয়েছি, তুমি তো এই 7 দিন পুজো করলে না, বললেন আমি ওই যে পাশে মাজারটা দেখছিস, আমি ওই মাজারে গিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যাকে বিশ্বাস করে আল্লাহ, আমি সেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম। বলে তুমি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে, তুমি তো ম্লেচ্ছ মামা। বলে না রে, আমি দেখতে গেছিলাম যে আমি তো ভগবানকে আমার মতো করে ডাকি, মাকে আমার মতো করে ডাকি, ওরা ওদের আল্লাহকে কিভাবে ডাকে, কি দেখলে? বলে গিয়ে দেখলাম যে আমি যেন মাকে